अउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? विरासत। ठीक है, सो इनहेरिटेंस इट इज़ द प्रोसेस इन विच करेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वी कॉल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को करेक्टर्स ट्रांसफ़र होती है। करेक्टर्स में ट्रांसफॉर्मेशन होती है फिजिकल करेक्टर की। सो ओनली फिजिकल करेक्टर्स आर ट्रांसफर। अभी जिस्मानी करेक्टर क्या है? जिस्मानी करेक्टर है बॉडी, हाइट, स्किन कलर, आई कलर, ETC। ये फिजिकल करेक्टर है। दो करेक्टर होते हैं, एक मेंटल करेक्टर है, एक फिजिकल करेक्टर है। देखिए, मेंटल करेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, मेंटली एक बंदा जो भी हो उसकी करेक्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेगी, ट्रांसफर होगी ओनली फिजिकल करेक्टर। मेरी हाइट, मेरी स्किन कलर, मेरी आई कलर, इसके ट्रांसफॉर्मेशन होगी। मेरे जो दिमाग में है उसके ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, अभी आती है जेनेटिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें जीन तो आप लोग जानते होंगे, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, इंशाल्लाह बाद में डिटेल में बताऊंगा कि जीन क्या है। एंड एटिक्स मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो जेनेटिक्स का इस सिंपल डिफिनेशन ये है कि द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन वी कॉल जेनेटिक्स। ये जो वेरिएशन है और करेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी मैकेनिज्म को हम कहते हैं जेनेटिक्स। हेरिडिटी तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, वी कॉल हेरिडिटी। एंड वेरिएशन It is the change in character among parents with their offspring. ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल औलाद सेम टू सेम पेरेंट्स की तरह हो। कुछ डिससिमिलरिटीज होती है। हो सकता है एक बच्चा अपने माँ बाप से थोड़ा डिफरेंट हो। इस डिफरेंस को हम वेरिएशन कहते हैं। बाप की हाइट टाल है, बेटे की हाइट शॉर्ट है, दिस इज वेरिएशन। बाप का स्किन कलर एक डिफरेंट है और बेटे का स्किन कलर डिफरेंट है, इस इज कॉल्ड वेरिएशन। इसको हम कहते हैं वेरिएशन कहते हैं। सो वेरिएशन इज द चेंज इन कैरेक्टर एमोंग पेरेंट्स विद देयर ऑफस्प्रिंग, वी कॉल्ड वेरिएशन। सो वेरिएशन और हेरिडिटी के मैकेनिज्म को स्टडी करना, इट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स मुख्तलिफ टाइप्स के हैं। एक है मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स। फिर होती है मॉडर्न जेनेटिक्स। एक है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। पहले आते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स को। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे जीन, DNA, क्रोमोसोम। ये फिर हम मॉडर्न और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में एक्सप्लेन करते हैं। अभी मेंडेलियन जेनेटिक्स में हम मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन करते हैं कि मेंडल है कौन भाई। मेंडल इट वाज बोर्न ऑन 22 जुलाई 1822 इन हिंजनडॉर्फ सेल्सिया। ठीक है, एक स्टेट है। हाँ, इट इज डाइड ऑन 1884 में उसका इंतकाल हो गया ड्यू टू अ किडनी डिजीज, ब्राइट्स डिजीज। ब्राइट्स डिजीज थी, किडनी की डिजीज थी जिसकी वजह से डेथ हुई। किसकी? मेंडल की। मेंडल को मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, एक राहिब था दिस मेंडल। ठीक है, अभी देखो, इस मेंडल ने वर्क की है पाई समसेटेवम पे। वर्क ऑफ मेंडल पे, ही वर्क ऑन पाई समसेटेवम। पाई समसेटेवम को हम लोग कहते हैं पी, कॉमन गार्डन पी, मटर जैसे कहते हैं। पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट की, 1856 से 1863 तक, यानी कि 7 साल, 7 ईयर्स काम किया पी प्लांट। इन 7 साल में ही स्टडी 28,000 पी प्लांट, इसमें 28,000 पी प्लांट को स्टडी की है मेंडल ने। फिर 1865 में पहला लेक्चर दिया, पेपर को पब्लिश किया इस पे, लेकिन इसके काम ने इट मेड नो इम्प्रेशन। मेंडल फेल हो गया अपने काम में।
ठीक है। व्हाई रीजन पर मेंडल फेलर, मेंडल क्यों फेल हुआ, व्हाई, बिकॉज बायोलॉजिस्ट वर फ्री ऑक्यूपाइड बाय डार्विन थ्योरी। इससे पहले डार्विन थ्योरी आई थी 1859 में, 1859 में, सो पीपल वर बिजी इन दिस, किसी ने लेफ्ट नहीं दी इसको, तो फेल हो गया। दूसरी बात, द जर्नल इन विच ही पब्लिश हिज पेपर वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड, इतनी अच्छी नहीं थी, सो मेंडल फेल हो गया। साइंटिस्ट वर नॉट फैमिलियर विद स्टेटिस्टिक, इसने स्टेटिस्टिकल डाटा रिकॉर्ड की, इसको एनालाइज किया, स्टेटिस्टिक यूज़ की, लेकिन वहाँ पे लोग स्टेटिस्टिक को नहीं समझते थे, इसलिए मेंडल फेल हो गया, इसकी कम ने कोई इंप्रेशन नहीं डाली। ही कैन नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ जीन, जीन के एग्जिस्टेंस के लिए कोई फिजिकल प्रूफ मेंडल ने नहीं दी, ठीक है। ही एक्सप्लेन दैट फैक्टर्स या जीन, दैट फैक्टर्स आर जीन, जीन को मेंडल ने फैक्टर का नाम दिया, ठीक है। सो एक्सप्लेन दैट जीन और फैक्टर आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट, अकॉर्डिंग टू मेंडल जीन्स है डिस्क्रीट है और स्टेबल है, लेकिन उस वक्त के जो बायोलॉजिस्ट थे उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, सो विच वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई प्रेजेंट बायोलॉजिस्ट, सो मेंडल वॉज फेल, मेंडल फेल हो गया। फिर उसके डेथ के बाद, ही डाइड इन 1884 में, वो मर गया है, इसके बाद 1900 में रीडिस्कवरीज हुई मेंडल के वर्क की, 1900 में होगो डिवेरिज ने किए, डिकॉरेंस ने किए, टिस्माज ने किए। अभी देखो, ये होगो डिवेरिज हॉलैंड का था और ये डिकॉरेंस जर्मन का था। इस कार्ल कॉरेंस या डिकॉरेंस ने क्या किया, ही कन्वर्टेड टू पास्टुलेट्स ऑफ मेंडल इनटू टू लॉज, मेंडल की दो पास्टुलेट्स को दो लॉज ने कन्वर्ट किया, इसको एक कह दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरे कह दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो खुद ही मेंडल ने कोई लॉ प्रपोज नहीं किए, इसके पास्टुलेट्स को लेके डिकॉरेंस ने इसके दो लॉ को फिर प्रपोज किया और हमें दिखाई। अभी ये तो मेंडल की फेलर का रीजन था, मेंडल सक्सेस क्यों हुई, मेंडल व्हाई डिड मेंडल सक्सीड, रीजन फॉर मेंडल सक्सेस क्या है। अभी मेंडल के सक्सेस की रीजन को आप देखो, एक है सेलेक्शन ऑफ पी प्लांट को सेलेक्ट किया मेंडल ने, फॉर्चुनेटली इसकी खुशकिस्मती थी, सो मेंडल वाज सक्सीडेड। दूसरा, मेंडल स्टडीड सिंगल कैरेक्टर एट वन टाइम, सिंगल ट्रेट एट वन टाइम, या प्लांट को हाइट को लिया या प्लांट की फ्लावर कलर लिया, एक लिया, या फ्लावर कलर या हाइट या सीड शेप या पॉड शेप या सीड कलर या पॉड कलर, सो एक एक को स्टडी किया इंडिविजुअली तो सक्सेसफुल हो गया। और तीसरी अहम बात ये थी कि इसने स्टेटिस्टिकल डेटा को स्टडी किया, इसने इसकी जो स्टेटिस्टिक थे स्टेटिस्टिकल डेटा लिया, उसके एनालाइज किया, उसको रिकॉर्ड में रखा। सो मेंडल के सक्सेस की तीन बड़ी वजूहात है, एक सेलेक्शन ऑफ पी प्लांट, दूसरा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, और तीसरा स्टडी अ सिंगल ट्रेट एट वन टाइम, इसीलिए मेंडल सक्सेडेड हो गया, ठीक है। बाद में हम पढ़ाएंगे जेनेटिकल टर्म्स, कौन से करेक्टर पी प्लांट मेंडल स्टडी की, और इसके इलाज को इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अल्लाह हाफिज़।